हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपने लखनऊ और आसपास के स्टेशनों के थर्ड पार्ट में हम आपको कुछ लखनऊ के और बचे हुए स्टेशनों के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही हमारी सीरीज समाप्त होगी और फिर अगले एपिसोड में हम आपको रेल के और विभिन्न पटरियों के बारे में बताएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे लखनऊ से दिल्ली की तरफ हम चलेंगे। पीछे आपको डबल डेकर ट्रेन दिख रही जो कि एनआर में खड़ी हुई है। पीछे एनआर का लखनऊ जंक्शन का आपको दिखाई दे रहा नज़ारा, मुरादाबाद और कानपुर होते हुए। तो जो सबसे पहले हम लखनऊ से चलते हुए वेस्ट साइड में जो पड़ेगा वो है आलमबाग केबिन। आलमबाग केबिन से हम ये देख रहे हैं ट्रेन जा रही है, तो या तो मुरादाबाद जाएँ और या हम कानपुर जाएँ, लेकिन आलमबाग केबिन से होकर ही गुजरना पड़ता है। आलमबाग केबिन के दूसरे एंड पर CNW वर्कशॉप बना हुआ है कैरेजन वैगन का, और यहीं से ही कानपुर के लिए और मुरादाबाद के लिए अलग अलग गाड़ियां चली जाती हैं। और जब हम आते हैं NER साइड से तो यहीं NER से भी आने में ये आपको आलमबाग केबिन पर ही आकर के गाड़ी निकलती है और एक गाड़ी इधर से घूम के जो NER ट्रैक से आती है। ये देखिए आलमबाग केबिन होते हुए, अभी आपको मैंने आलमबाग केबिन दिखाया था अंदर से, अब ये बाहर से हम लोग आलमबाग केबिन। दोस्तों, आलमबाग केबिन का ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है सामने, ये पॉइंट ऐसा है कि यहीं से ही जो दिल्ली साइड से चाहे कानपुर होके या मुरादाबाद होकर जो गाड़ियाँ आती हैं वो सीधी NER चली जाती हैं, और इसी पॉइंट से आगे NER जाती हैं और फिर आगे जा कर के और नॉर्दर्न भी चली जाती हैं। तो यही पॉइंट है जो कि आपको NER की गाड़ी जो कि लखनऊ जंक्शन से कानपुर साइड और दिल्ली साइड जाती है, ये पॉइंट है। आप देख रहे हैं यहीं से आपका ये टर्न हो गया, एक गाड़ी इसमें NER जा रही है और एक गाड़ी जो आपकी जा रही है नॉर्दर्न साइड में। दोनों ट्रेनें पैरेलल चल रही हैं और इस पॉइंट से ही ये NER एक गाड़ी जा रही है और सामने आप देख रहे हैं कि ये नॉर्दर्न एक जा रही है। ओलंपिक केबिन का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि NER और NER का मीटिंग पॉइंट कहलाता है। आपके लेफ्ट हैंड पे जो गाड़ी जा रही है वो LJN चली जाएगी और राइट हैंड की गाड़ी नॉर्दर्न में जा कर के मिलेगी। दोनों ट्रेन पहले चल रही हैं। आलमबाग केबिन के ही नीचे से भी एक ट्रैक गया हुआ है जो NER का ट्रैक है और ऊपर से NER होते हुए जाते हैं। ये आगे जाकर के RDSO पर मिलता है और आप देख रहे हैं नीचे से NER की गाड़ी जा रही है, ऊपर से नॉर्दर्न की गाड़ी जा रही है। दोस्तों, ये नॉर्दर्न रेलवे का आलमनगर रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन ज़्यादातर इसमें आपको मालगाड़ियाँ की माल ढुलाई, माल लदाई, सीमेंट और ये सब रेक्स उतरते हैं और पैसेंजर ट्रेन्स रुकती हैं यहाँ पर। पैसेंजर प्लेटफॉर्म भी हैं, तीन लाइन पैसेंजर्स की हैं और तीन यहाँ पर कुछ लाइनें, छः लाइनें हैं, और यहीं से ही हमारा आपका ट्रैक चला जाता है ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ और एक चला गया मुरादाबाद होते हुए काकोरी मलियाबाद से मुरादाबाद चला गया। फ्रेंड्स, आलमनगर से हमारा लखनऊ डिवीज़न शुरू होता है, नॉर्दर्न रेलवे का लखनऊ डिवीज़न। इससे पहले मुरादाबाद डिवीज़न का ट्रैक है और जब हम आते हैं तो आलमनगर में ही हमारे डिवीज़न की एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट भी यहीं से ही है। अब देखिए, जब हम आलमनगर जा रहे हैं तो ये आपको दिखा होगा ये ओवर ब्रिज होते हुए आलमनगर तक की यात्रा हो रही है। ये आपका गार्ड्स लॉबी बनी हुई है यहाँ पर आलमनगर रेलवे स्टेशन पर, गार्ड रनिंग रूम जिसे कहते हैं। ये देख रहे हैं आलमनगर का बाहरी नज़ारा। यहीं पर SSC PW2 का मटेरियल स्टोर भी है। दोस्तों, आलमनगर से जब हम मुरादाबाद से चलते हैं तो काकोरी स्टेशन पड़ता है जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही है, हालांकि हमारे नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न से ला रहे हैं, मुरादाबाद डिवीज़न में है काकोरी। और काकोरी में ही 1925 में अंग्रेज़ों का खजाना रामप्रसाद बिस्मिल और अशोक अल्लाह खान ने मिलकर के लूटा था, जो कि इसलिए काकोरी कांड के नाम से जाना था। काकोरी का हमारे हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक महत्व, मुरादाबाद मंडल का काकोरी स्टेशन। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल का अगला स्टेशन मलियाबाद,
जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही है, मलियाबाद की दशहरी पूरी बहुत पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई डेली जाती है यहाँ पर शारजा वगैरह, और बहुत ही टेस्टी आम होता है मलियाबाद का। मलियाबाद के बाद दिलावर नगर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं। मैंगो बेल्ट देख रहे हैं आप सामने, आम के पेड़ है, मैंगो बेल्ट नहीं मिला, मलियाबाद के पास ही है ये दिलावर नगर रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन मलियाबाद से दिलावर नगर होते हुए तो रहीमाबाद के बाद हमारा फिर संडीला जाता है जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से हमारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट समाप्त होता है। और अब हम चलेंगे फिर कानपुर साइड के स्टेशन जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं होते हुए चल दिए हैं मानक नगर की तरफ। जो सामने ट्रैक दिखाई दे रहा है वो मुरादाबाद जा रहा है और हम लोग चल रहे हैं कानपुर की साइड में मानक नगर की तरफ। यहीं से बाइफरकेट हो गया ट्रैक। ये देखिए RDSO का ये ऑफिस शुरू हो चुका है, सामने पैरेलल ये RDSO, नीचे ये NER का ट्रैक, मानक नगर का प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपके जो राइट हैंड पर, वो NER का ट्रैक आता हुआ, ये अपर डाउन लाइन नॉर्दर्न की और मानक नगर स्टेशन पर दोनों लोग मिल जाएंगे। देखिए मानक नगर हम लोग पहुँच रहे हैं, राइट साइड पे जो ट्रैक है वो NER का है, NER से मानक नगर पहुँच रहे हैं, हम लोग नॉर्दर्न से मानक नगर जा रहे हैं। छोटा सा स्टेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आउटर वाले सारे लोग यहीं पर उतर जाते हैं कानपुर से आने के बाद, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें यहाँ पर हाल्ट करती हैं। ये हमारी गाड़ी मानक नगर के पास जा रही है। हम लोग पहुँच रहे हैं अब मानक नगर से मौसी रेलवे स्टेशन, यहीं पर एयरपोर्ट भी है, मौसी एयरपोर्ट के नाम से मशहूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और लखनऊ मेट्रो का भी लास्ट स्टॉपेज मौसी मेट्रो स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है। एयरपोर्ट से निकल के लोग मेट्रो तक आराम से पैदल जा सकते हैं और मेट्रो से पूरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। तो मौसी रेलवे स्टेशन पर HPLCL की साइडिंग भी है। यह आप मौसी का नज़ारा देख रहे हैं, मौसी रेलवे स्टेशन ऊपर से ओवरब्रिज, इसे गाड़ियाँ खड़ी हुई। मौसी के बाद आता है पीपलसन रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ से थ्रू निकलती हुई, केवल यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन जो आपकी लोकल मेमू ट्रेन होती हैं वही रुकती हैं। ये यहाँ पर एक पीपलसन स्टेशन से ये हमारी गाड़ी थ्रू निकलती हुई, केंद्रीय विद्यालय जाने के लिए पीपलसन होते हुए जाना पड़ता है। दोस्तों हम पहुँच रहे हैं लखनऊ के एक और आखिरी कानपुर एंड के रेलवे स्टेशन पर, हरौनी रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट समाप्त हो जाता है और आगे जो सारे स्टेशन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। आप देख रहे हैं कि हरौनी का ये बिल्डिंग प्लेटफॉर्म और यहाँ के मेन लाइन से स्टेशन से ये गाड़ी जा रही है आगे। आलमनगर से फिर उत्तरी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट नगर टोटली एक हमारा गुड्स लाइन का स्टेशन है, यहाँ पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। आलमनगर से जो गाड़ियाँ गुड्स ट्रेन सुल्तानपुर या बनारस हावड़ा साइड जाती हैं, बिहार साइड जाती हैं, वो ट्रांसपोर्ट नगर से ही निकाल देते हैं, बाईपास से कहलाते हैं आलमनगर, ट्रांसपोर्ट नगर उतरतिया बाईपास। ट्रांसपोर्ट नगर का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहीं पर ही पास में रेलवे स्टाफ के लिए रेलवे क्वार्टर्स बने हुए हैं। ये कुछ ट्रेन आलमनगर क्रॉस करती हुई आगे जा करके ये कर्फ के द्वारा उतरतिया पहुँचेगी। दोस्तों आलमनगर से होते हैं हम आगे हैं उतरतिया। उतरतिया जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से रायबरेली और सुल्तानपुर के लिए अलग अलग रूट कट गया है। पहले हम चलेंगे सुल्तानपुर की तरफ। सुल्तानपुर का पहला रेलवे स्टेशन है बक्कास। बक्कास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, और बक्कास के बाद हमारा पड़ता है अनूपगंज। अनूपगंज रेलवे स्टेशन जो कि बस स्टैंड गोसाईगंज कहलाता है, मार्केट गोसाईगंज के नाम से है लेकिन रेलवे स्टेशन अनूपगंज के नाम से है। अनूपगंज के बाद हमारे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का आखिरी स्टेशन है रहमतनगर। रहमतनगर सुल्तानपुर का है, इसके बाद फिर हम अब चलेंगे रायबरेली साइड। दोस्तों हम लखनऊ से अब चलेंगे बनारस वाया रायबरेली, तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो हमें मिलेगा मोहनलालगंज। मोहनलालगंज के बाद मिलेगा कनकहा। कनकहा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, और तो यहाँ पर तो डबलिंग के बाद यहाँ पर डबल लाइन हो गई वरना एक ही प्लेटफॉर्म था। और कनकहा के बाद लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का जो आखिरी स्टेशन है रायबरेली साइड में वो है निगोहा।
निगोहा के बाद लखनऊ डिस्ट्रिक्ट समाप्त हो जाता है। निगोहा एक बड़ा सुंदर सा प्लेटफॉर्म बना है, अभी नया डबलिंग के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे लखनऊ से सीतापुर की तरफ। ये पूरा NER का ट्रैक है, लखनऊ से सीतापुर, LGN से सीतापुर जाते हैं। पहला स्टेशन जो पड़ेगा महबुल्लापुर, महबुल्लापुर के बाद पड़ेगा हमारा बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन। ये लखनऊ से सीतापुर पहले पूरा मीटर गेज था, अभी ये ब्रॉड गेज के बाद काम शुरू हुआ है। बख्शी का तालाब बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बना है, यहीं से हमने अपना कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है BKT से। और ये जो यहाँ पर एक तालाब है, राजा त्रिपुर चंद बख्शी ने एक तालाब बनवाया था, उन्हीं के नाम पर ये का पड़ा बख्शी का तालाब। बख्शी के तालाब के बाद लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट का आखिरी स्टेशन है इटौंजा। इटौंजा के बाद फिर सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट में सारे स्टेशन हैं और यहीं से हमारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट समाप्त है। फ्रेंड्स आपके सामने लिस्ट है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन की, टोटल 30 स्टेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।